अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो हम समय के एक न्यू आर्टिकल के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त और यूनिक स्टाइल की फ्रॉक है जिसका मैं आपको एक फुल ट्यूटोरियल देती हूँ। इसको एंड तक देखिएगा, आपको बहुत ज़बरदस्त लगेगा ये। इसमें हमारे पास एक फुल यॉक है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। उसमें हमने बटरफ्लाई ऐड की है खुद से सेपरेटली बना के। उसके साथ जो हमारा फ्लेयर है ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें हमने फोर जो है इसके कार्ड के पीसेस, ट्राइंगुलर पीसेस जिनको, तो ये इसके फॉल के लिए आप इसको यूं रख के फोल्ड करके, तो यहाँ सेंटर से काट के अपनी वेस्ट के अकॉर्डिंग भी इसको आप इकट्ठा मैच जॉइंट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप चाहें तो आप इसमें डिफरेंट पैचेस ऐड करके अपना कलर भी ऐड कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं आप एक फुल कपड़ा लेके उसको काट के कराएं। अगर आपके पास कोई लेफ्ट ओवर पीसेज हैं तो आप उसके साथ भी ये फॉल बहुत अच्छे से बना सकते हैं, बट उसके लिए आपको पहले इनको जॉइंट करना पड़ेगा, ठीक है, उसके बाद आपको काटना पड़ेगा। इसके बाद जो मेन इंटरेस्टिंग पार्ट है वो हमारा यहाँ है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ, अगर कैमरा दिखा पाए तो, ठीक है। यहाँ पे हमारा स्लिट है, ठीक है, जिसको हमने अपने बटरफ्लाई के साथ कवर किया, जो कि देखने में बहुत मॉडर्न और ट्रेंडी लग रहा है और साथ ही बहुत ज़्यादा यूनिक भी लग रहा है। ये देखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके ट्यूटोरियल के लिए, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ, आपको हमें कमेंट करना पड़ेगा। और इसके जो स्लीव्स हैं वो हमने शॉर्ट स्लीव रखी हैं और उनको हमने प्लीट्स डाले हैं ताकि उनके साथ उनका और हमारे जो बॉटम का फ्लेयर है वो एक साथ मैच कर सके। ये देखिए, और फिर हमने इसके साथ और साथ ही साथ हमने इसके बॉटम में बहुत अच्छे से लेसिंग ऐड की है, जिसकी वजह से ये और ज़्यादा फ्लेयर इसका जो है वो पॉप अप हो रहा है, ठीक है। और ये जो हमारे बटरफ्लाइज हैं ये हमने टोटल इस पर ऐड किए हैं, तीन साइड्स पे हैं और दो हमारे सेंटर में हैं। सॉरी, अभी हम बटन ऐड करना भूल गए हैं क्योंकि हमने ये अभी रिसेंटली स्टिच किया है। और मैंने कहा पहले मैं अपने YouTube फैमिली को ये दिखा दूं, तो इसलिए हम आपको दिखाने के लिए आ गए हैं। अब जब हम अपने बेबी को पहनाएंगे तो इंशाल्लाह उसका भी एक शॉर्ट वीडियो आपके साथ डिटेल में शेयर कर देंगे। ऐड किए हैं क्योंकि हमारा जो फ्रॉक है उस पर बहुत ज़्यादा डिटेलिंग ऐड हुई हुई है, तो अगर हम शॉर्ट्स में भी डिटेलिंग ऐड करेंगे तो फिर वो हमारा दिख नहीं पाएगा जो हमने फ्रॉक पे इतनी मेहनत की है, ठीक है। तो इसके साथ मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप जो इसके शॉर्ट्स हैं वो प्लेन रखिए और अपने फ्लेयर जो आपने इतनी मेहनत से बनाए हैं उस पर सारा मेन फोकस होना चाहिए, उसको स्पॉटलाइट में होना चाहिए, ठीक है।